अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल डाइवर्स टू। जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैनीक्योर, जो हम घर पे करेंगे और घर की प्रोडक्ट से ही करेंगे। तो ये देखें, इसके लिए मैंने एक नीम गर्म पानी का बॉल लिया। घर के इंग्रेडिएंट्स ही हैं, कुछ बाहर से नहीं मंगवाना होगा आप लोगों को। और इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जो कि घर में मौजूद होता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी, आप 1/2 ले लें या 1 स्पून ले लें सॉल्ट का। और साथ में ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें शैम्पू यूज़ किया, बेबी शैम्पू हो या जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको तो वैसे मैंने स्पून से मिक्स कर रही हूँ, हमने तो ज़्यादा पता हैंड डिप करने, तो हैंड से मिक्स कर सकते हैं, राइट। अच्छा, मैनीक्योर करने का मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ बहुत गंदे हैं, लेकिन ये कि हाथों की केयर के लिए हमें वंस इन अ वाइल, मंथ में 2 दफ़ा कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इसमें डिप किया और तकरीबन 5 to 7 मिनट्स से डिप रखना है। अब आपने उस पानी को फेंक के, ये दोबारा फ्रेश वाटर लिया मैंने और इसमें मैंने एक लेमन स्क्वीज किया और वही लेमन जो है उसको पानी में ही डाल के उससे मैं अपने नकल्स पे और फिंगर्स पे और जो डार्क हमारी फिंगर की साइड्स हो जाती हैं उनके ऊपर इनको रब करूँगी। इसके अलावा नेल के ऊपर भी रब करूँगी। इस प्रोसीजर में तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। एक एक नेल को अच्छे से मैंने रब किया। यह कंप्लीट मैनीक्योर दिखाने के लिए मैंने थोड़े से नेल अपने इंक्रीज किए हैं, ताकि अच्छी सी वीडियो में ये क्लियर नज़र आए कि नेल कैसे हमने क्लीन किया। अब ये क्लीन करने के बाद, टॉवल से वाइप करने के बाद, मैंने पुराना टूथब्रश लिया या नेल ब्रश भी आप ले सकते हो, और उसमें मैंने वाइट टूथपेस्ट लगाया, कोई भी वाइट टूथपेस्ट, कोलगेट, व्हाटएवर यू हैव। और उससे मैंने अपने नेल्स के इर्द गिर्द क्लिनजिंग की, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और अच्छे से जो है नेल्स से ऐसे करने से बिल्कुल ब्राइट हो जाते हैं। अगर नेल पॉलिश लगाने से और वैसे आपकी येलो हो रही हो नेल, इससे बिल्कुल ब्राइट हो जाएंगे। इनको मैंने अच्छे से देखें, फिर वॉश कर लेना। और वॉश करने के बाद अब मेरा 3rd प्रोसीजर है, जिसमें ये देखिए मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने 1 स्पून जो है, 1 से 2 स्पून डाले आप राइस फ्लोर के, चावल का आटा, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्क्रब ही होता है। तो अब हम अपने हाथों को स्क्रब करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने, अगर घर में मौजूद है एलोवेरा तो उसका पल्प आप यूज़ कर लें, नहीं तो जार में भी आता है, तो आप उसको जेल को यूज़ करें। तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये थोड़ा सा मॉइस्ट भी करेगा और अगर कोई निशानात रह गए तो वो भी ख़त्म करेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड किया, अगर है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। ये 2 इन्ग्रीडियंट ही बहुत हैं। ये देखिए, ये अब मेरा स्क्रब तैयार है। ये हम फेस पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा स्क्रब होता है, लेकिन अभी हम लगा रहे हैं हाथों पे। ये तैयार हो चुका है स्क्रब, और अब मैं इसे हाथ पे स्क्रब करूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाथ पे ही हो, आप अपनी कलाई पे और आगे कोहनी तक पे भी इसको यूज़ करें तमाम प्रोडक्ट्स को, और स्क्रबिंग करें इसकी हल्के हाथ से कीजिएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या फिर बादाम का तेल, और हल्के हाथों से इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक स्क्रब करें। ये मेन जो है स्टेप है स्क्रबिंग, और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी स्किन क्लियर नज़र आएगी। वैसे मेरी अम्मी के इतनी कपड़े धो लो, उसी से हाथ अच्छे से साफ हो जाएंगे। लेकिन ये मैनीक्योर जो है, ये बहुत नेसेसरी है आपके हाथों की हिफाजत के लिए और ग्रूमिंग के लिए, और एक ग्लो आ जाएगी आपके हाथ में। ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, वाइप कर लिया। अब हमारा लास्ट प्रोसीजर है मॉइस्चराइजर या फिर लोशन, कोई भी लोशन हो अगर आपके पास तो आप यूज़ करें, और अच्छे से अपने हाथों पे, उन्हीं नम हाथों पे आप जो है अच्छे से अप्लाई करें। थोड़े से पानी वाले हाथ हों और उसमें अप्लाई किया जाए लोशन, तो अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब देखिए कैसा शफाफ हाथ लग रहे हैं, मॉइस्ट लग रहे हैं और सुथरे लग रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी अब फाइनल कंडीशन है। ये नेल अब मैं क्लिप कर लूँगी, बिल्कुल साफ सुथरा। ये था हमारा आज का मैनीक्योर। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप ये जरूर अप्लाई करेंगे। टिल नेक्स्ट व्लॉग, सी यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
Thank you.